भिवानी जिला के सिवानी मंडी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के चौथे दिन भी प्रशासन में मृतक व्यक्ति के परिजनों के बीच अंतिम संस्कार के लिए सहमति नहीं बनी। परिवारजनों की मांग है कि मृतक मोनू की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए व 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए, जिसके चलते प्रशासन में मोनू के परिजनों में अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है तथा धरना जारी है और मृतक मोनू का पार्थिव शरीर सिवानी मंडी के अंची देवी नागरिक अस्पताल में रखा हुआ है। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे न तो पोस्टमार्टम करवाएंगे और ही अंतिम संस्कार करेंगे। धरना स्थल पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सोमवीर सिंह मृतक मोनू की मृत्यु पर दुख प्रकट करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सरकार से कहा कि वे मांग करते हैं कि मृतक की पत्नी को कम से कम 4th क्लास की नौकरी दी जाए व कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक के भाई सोनू का कहना है कि अगर इस हादसे में बम निरोधक दस्ता टीम के किसी कर्मचारी की मौत हो जाती तो सरकार उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए की राशि देती। उनके भाई की पत्नी को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए व मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। दोषी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे इसके बाद ही अपने भाई का अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में उसका ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है वह भी खत्म हो गया, उसका भी मुआवजा दिया जाए। हमारे को बड़ा दुख है कि गरीब परिवार का नौजवान लड़का जिसके 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका सरकार से जमीन उम्मीद भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरकार को सद्बुद्धि दे, इस गरीब परिवार की आर्थिक भी मदद करें और कम से कम उनकी मिसेज को या ये जो बुजुर्ग जिनका लड़का गुजरा है उसके लड़के को 1 4th क्लास की नौकरी दी जाए। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।